इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अड़िंदा पार्श्वनाथ ट्रस्ट परिवार, अध्यक्ष श्री सुरेश हिंसावत, कोषाध्यक्ष श्री कमल कुमार सागोटिया, सचिव श्री अनिल अखावत। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर और उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजमार्ग से 12 किलोमीटर अंदर दूरी पर स्थित है श्री अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर। भारत में ये सिर्फ एकमात्र पार्श्वनाथ मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। इसका कारण ये है कि भूगर्भ से ये प्रतिमा दक्षिण मुखी स्थिति में प्राप्त हुई थी। तालाब किनारे पर बने लगभग 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर जी में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। सदियों से अड़िंदा पार्श्वनाथ जी भक्तों के लिए एक अटूट श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैन समाज ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज भी प्रभु के दर्शन मात्र से अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ का रमणीय वातावरण सुख शांति की तो अनुभूति कराता ही है, साथ ही साधु संतों की तप साधना के लिए ये उपरोक्त स्थान भी माना जाता है। इसी परिसर में परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कैलाश पर्वत, सुमेरु पर्वत, पद्म सरोवर, पार्श्व पद्मावती मंदिर, नंदीश्वर दीप, मान स्तंभ एवं यंत्रों का निर्माण कराकर सन 1993 एवं 1995 में प्रतिष्ठा करवाई। भक्तों को इस क्षेत्र पर मूल नायक भगवान के मंदिर सहित अन्य 6 मंदिरों एवं 125 प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। अड़िंदा पार्श्वनाथ जी का वार्षिक मेला पौष दशम एवं 11 को लगता है। क्षेत्र पर प्रतिदिन श्रद्धालु श्री अड़िंदा पार्श्वनाथ जी की मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आप भी ऐसे ही अतिशयकारी अड़िंदा पार्श्वनाथ भगवान की अभिषेक शांति धारा का पुण्य लाभ उठाएं। बैंक डिटेल्स, खाता नाम श्री दिगंबर जैन, 20 पंथ आमनाथ पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र अड़िंदा, HDFC बैंक ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड उदयपुर, अकाउंट नंबर 5010560281707, IFSC कोड HDFC000123। रावणम रे सूर्य नाथ के रे कोटि संलग्न रात्न किरणां च विदोष राग्म पृथ्वी दे ताप मल मोक्त मपी प्रगट वक्ता जले जिन पथिम बहुदाव सिंच ओम ह्रीं श्री क्लीं मैं बर्वं हं सं तं पं पं बं मं 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 जीम 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 द्रव 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 ओम नमो भगवते श्रीमते पवित्र जल अभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमासे देव्या, ओम नमासे देव्या, ओम नमासे देव्या, श्री विद्रागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ शंकराय द्वादश कंठ पर्वस्थाय शुक्लदान पवित्राय सर्वज्ञ सिद्धाय बुद्धाय परमात्माय परम सुखाय त्रिलोकाय मही प्राप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय त्रिलोकाय मही प्राप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय दर्शनाय अनंत वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धनेन पंडा मंडल मणितारे सिक्का श्रावक श्राविका चतुर्भुज संग विनाशाय घाती कर विनाशाय अघाती कर विनाशाय अभयम छिंजिंदे मृत्याम अतिगमाय रतिगमा क्रोधम सर्व उपसर्गम सर्विघ्नम सर्वभयम अग्निभयम सर्वचोरभयम सर्वशत्रुभयम सर्वराजभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगराजभयम सर्वमम चक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमार्यम सर्वगजमार्यम सर्वगोमार्यम सर्वश्वमार्यम सर्वमहेशमार्यम सर्वधानमार्यम सर्वरक्षमार्यम सर्वगुलमार्यम सर्वपत्रमार्यम सर्वपुष्पमार्यम सर्वफलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वदेशमार्यम सर्वविश्वमार्यम सर्वेताल साग्निवयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम
ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेज बोलो सौरवीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट पतन द्रोह सर्वानंदनम सर्व लोकनानंदनम सर्व देशनानंदनम सर्व यजमानंदनम सर्व दुखानंद दादा पचपट कुट कुट शीघ्र शीघ्र अतिथि लोकेशु व्याधि व्यसन भजतम अभयम क्षेम मरुयम स्वस्ती रस्तु विदिते शिव मस्तु कुलगोत्र धनधान सदास्तु चांद प्रभु भांसु पूज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्ट अंत शीतलनाथ मुनि सुवृत नवीनाथ पारसनाथ इते मंत्रो नमा इते मंत्रे नवग्र गंधोदार धारा वशनम विक्रम संवत 2080 का मासोत्तम मास है जेठ मास है दिन मंगलवार तिथि बारस भारत देश राजस्थान प्रांत अणिंदा नगरी निवासी भिंडर श्रीमान आज के प्रथम अभिषेक करता एवं शांति धारा करता श्रेष्ठीगण परिवार श्रीमती शकुंतला जैन पुत्र प्रवीण जी जैन हरीश जी जैन जवाईसा गर्वेश जी जैन पुत्र आर्यन जैन पुत्र निवासी भिंडर नक्ष कुमार जी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दीपक कुमार जी अखावत निवासी अहमदाबाद कमलेश कुमार जी जैन सुरेश कुमार जी जैन बापू नगर जैन मंदिर निवासी अहमदाबाद परिवार वालों की तरफ से आज की शांति धारा करोमी स्वाहा शंपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन सामान्य तपोधना नाम देश से राष्ट्र में पुरुष राज्यम करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र पुष्प सरु लीजिए दीप धूप श्री फलाद अर्घ दे दीजिए पारसनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा ओम रीम श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान साक्षात विराजमान मूल नायक अणिंदा पारसनाथ भगवान के चरणों में शांति धारा निमित्त अर्घम निपामती जय जिनेन्द्र मैं कमलेश कुमार सुरेश कुमार जैन बापनगर जैन मंदिर अहमदाबाद से आया हूँ चमत्कारी मूर्ति अणिंदा पारसनाथ भगवान की अभिषेक किया यहाँ की सब सुविधा सब अच्छी है हम यहाँ से पहले से जन्म जन्मांतर से यहाँ आते हैं मोड़ी गांव है मेरा मैं प्रणवीर जैन पिता नवलचंद जैन निवासी भिंडर से आया हूँ यह अणिंदा पारसनाथ भगवान की मूल नायक जो प्रतिमा है बड़ी चमत्कारी और बड़ी ही आकर्षक मूर्ति है और यहाँ के दर्शन करके बड़े फलीभूत हुआ हूँ और यहाँ की जो सभी व्यवस्थाएँ हैं ये सभी प्रकार से बहुत अच्छी है और अभिषेक और शांति धारा बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी संपूर्ण पूर्ण हुई। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर और उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजमार्ग से 12 किलोमीटर अंदर दूरी पर स्थित है श्री अणिंदा पारसनाथ मंदिर। भारत में ये सिर्फ एकमात्र पारसनाथ मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। इसका कारण ये है कि भूगर्भ से ये प्रतिमा दक्षिण मुखी स्थिति में प्राप्त हुई थी। तालाब किनारे पर बने लगभग 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर जी में मूल नायक भगवान पारसनाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। सदियों से अणिंदा पारसनाथ जी भक्तों के लिए एक अटूट श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैन समाज ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज भी प्रभु के दर्शन मात्र से अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ का रमणीय वातावरण सुख शांति की तो अनुभूति कराता ही है, साथ ही साधु संतों की तप साधना के लिए ये उपरोक्त स्थान भी माना जाता है। इसी परिसर में परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के आशीर्वाद से कैलाश पर्वत सुमेरु पर्वत पद्म सरोवर पार्श्व पद्मावती मंदिर नंदीश्वर दीप मान स्तंभ एवं यंत्रों का निर्माण कराकर सन 1993 एवं 1995 में प्रतिष्ठा करवाई। भक्तों को इस क्षेत्र पर मूल नायक भगवान के मंदिर सहित अन्य 6 मंदिरों एवं 125 प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अणिंदा पारसनाथ ट्रस्ट परिवार अध्यक्ष श्री सुरेश हिंसावत कोषाध्यक्ष श्री कमल कुमार सागोटिया सचिव श्री अनिल अखावत